3000 टन सोने की बात निकली हवा हवाई। तीन हजार टन नहीं महज 160 किलो सोने के कयास। नेताओं के बड़बोलेपन ने बता दिया 3000 टन। और सोनभद्र के अंदर इतना सोने का भंडार मिल गया। सोनभद्र की ये उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि देश की गरीबी को दूर करने का रास्ता। डीएम ने बिना जांच के फैला दी हजारों टन सोने की अफवाह। सोने के खजाने पर सांपों के बसेरे की भी उड़ी अफवाह। खैर, आखिर कैसे फैली इतने टन सोने की अफवाह? फरवरी महीना शुरू होते होते सोनभद्र जिले से खुशी देने वाली खबर आई थी। इसकी पुष्टि तो कोई नहीं कर रहा था, लेकिन दबी जुबान सब एक ही पहाड़ी पर सोना होने की बात कह रहे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद एक लेटर वायरल हुआ और देखते देखते सोनभद्र के एक गांव में 3000 टन सोने की बात छा गई। टीवी, अखबार, सोशल मीडिया, हर जगह यही खबर तैर रही थी कि भारत अब सोने की चिड़िया बनने वाला है, क्योंकि सोने के सबसे बड़े भंडार का पता चला है। और उन्हीं पहाड़ियों पर एएसआई के सर्वे वाली हेलीकॉप्टर के वीडियो को आधार मानकर सबने खबर चलाई। इन खबरों को लोगों ने हाथों हाथ शेयर किया। जब खबरें चलने लगी तो ना किसी ने जांचा, ना किसी ने परखा। सबकी जुबान खुलने लगी और इनमें यूपी के नेता सबसे आगे। किसी ने राम की महिमा बताई तो किसी ने कृष्ण की। पहले आपको सुनाते हैं नेताओं के बड़बोलेपन को। निश्चित तौर से ये एक बड़ी सोनभद्र इस प्रदेश और देश के लिए ये सर्वेक्षण उपलब्धि परक है। हमारी शुभकामना है कि ये जो रिपोर्ट आई है वो 100% सफल हो और आर्थिक समृद्धि का आधार सोना होता है। ऐसा होगा तो निश्चित तौर से देश की आर्थिक समृद्धि में सहायक होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में करीब 3000 टन सोना मिलने की बात जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई ने खारिज कर दी है। जीएसआई का कहना है कि सोनभद्र से 3000 टन नहीं सिर्फ 160 किलो औसत दर्जे का सोना मिलने की संभावना है। जीएसआई की सफाई के साथ उन तमाम खबरों पर ब्रेक लग गया है जिसमें पिछले एक हफ्ते से सोनभद्र में भारी पैमाने पर सोना मिलने का दावा किया जा रहा है। पड़ताल में पता चला कि ये सारा खेल उत्तर प्रदेश के खनन विभाग और सोनभद्र के कलेक्टर के बीच हुए कुछ पत्र व्यवहार के लीक होने के बाद शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश के भूतत्व एवं खनिज कम निदेशालय यानी माइनिंग डायरेक्टरेट का 31 जनवरी 2020 का एक पत्र भी वायरल हुआ है जिसमें सोनभद्र जिले के सोना पहाड़ी ब्लॉक में कुल 2943.26 टन और हरदी ब्लॉक में 646.15 किलोग्राम सोना होने की संभावना जताई गई है। इस प्रकार ये पत्र बताता है कि सोनभद्र जिले के दो ब्लॉक में करीब 3000 टन सोना होने की संभावना है। इस पत्र में कहा गया है कि जीएसआई उत्तरी क्षेत्र लखनऊ की ओर से खनिजों की नीलामी की रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई है। खनिजों के ब्लॉकों की नीलामी से पहले भूमि का चिन्हांकन किया जाना है। सोना निकलने के लिए इस पत्र में 7 सदस्यीय टीम के गठन की भी जानकारी दी गई है। पत्र में सोनभद्र के जिला अधिकारी की ओर से इस संबंध में 20 जनवरी को पत्र व्यवहार करने की भी जानकारी दी गई है। हालांकि जब 31 जनवरी का ये पत्र बीते 19 फरवरी को सोनभद्र के स्थानीय मीडिया के हाथ लगा तो ये खबर आग की तरह फैल गई कि सोनभद्र की कोख में सोना ही सोना भरा है। जिले में 3000 टन सोना मिलने की खबर के बाद भारत के फिर से सोने की चिड़िया बनने वाली बात तेजी से देश भर में आग की तरह फैल गई। खुद उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इसे भगवान का आशीर्वाद बताने लगे। केशव प्रसाद ने तो यहां तक बोल दिया कि भगवान राम और शिव के आशीर्वाद से ही सोनभद्र में सोना मिला है जिसे पूरे देश की गरीबी दूर हो जाएगी।
40 दिन लगातार सुनवाई हुई और श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला है। काशी के अंदर बाबा विश्वनाथ के मंदिर का पूरा कॉरिडोर भव्य और दिव्य बन रहा है। कल भी मैं गया था बाबा का दर्शन करने महाशिवरात्रि के अवसर पर। मुझे लगा कि जैसे राम मंदिर बनना, बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर बनना शुरू हुआ तो हमारे दोनों भगवान की कृपा हो गई और सोनभद्र के अंदर इतना सोने का भंडार मिल गया कि सोनभद्र की ही नहीं उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि देश की गरीबी को दूर करने का रास्ता मिल गया। जब सोनभद्र की क्षमता पूरे प्रदेश की गरीबी को दूर करने की तो सोनभद्र को किसी दृष्टि से पीछे कैसे रहने दिया जाए। हालांकि मामले ने जब हद से ज्यादा तूल पकड़ा तो शनिवार को जीएसआई के कोलकाता स्थित मुख्यालय को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सफाई देनी पड़ी। जीएसआई ने कहा कि सोनभद्र में 3000 टन सोना मिलने की बात गलत है और वहां सिर्फ 160 किलो सोने की ही बात सामने आई है। बहरहाल सोनभद्र में 3000 टन सोना होने की बात कहां से फैली, ये भी एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।